जो धर्म सत्ता है, धर्म सत्ता के मठाधीश भी उनकी मलाई खा रहे हैं। राजनीति चल रही है कभी गरीबी मिटाने के नाम पर, आर्थिक आतंकवाद है, वो विश्व के 12-13 घरानों के द्वारा पूरी दुनिया के सिस्टम पर काबिज हो गए हैं। आज धर्म के नाम पर जो लोग बट गए ना, समाज में जो चंडाल चौकड़ी है, जो दलाल है, वो चूंकि हर राजनीतिक दल के फिट है। सरकार जो गली गली में नेचर का शोषण कर रही है, निरीह प्राणियों का वध कर रही है, एक तरफ तो ये जीव जंतु कल्याण बोर्ड का ड्रामा करते हैं, सांपनाथ और नागनाथ है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनित आवाज। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्वामी दयाशंकर जी। मानवता के पक्षधर हैं वो। जिस तरीके से आज हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पे जवान और किसान मिलकर एक पार्टी बना रहे हैं जिसका नाम रखा है इन्होंने भारतीय जवान किसान पार्टी। तो पहला प्रश्न मैं इनसे यही लेना चाहूँगी कि भारत के जो जवान और किसान हैं उनको पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, इस पर आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा, आपका ये जो प्लेटफॉर्म है जनहित आवाज़ के सभी दर्शकों का मैं बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं चाहता हूं कि इसने जो प्रश्न किया है बिटिया ने कि किसानों और जवानों को ये अब क्या ज़रूरत पड़ गई कि इस देश की संसद में वो जाएंगे। सच्ची बात है, ये देश जवानों और किसानों की दम पे सुरक्षित है और उनकी ही दम पर ये अपना जीवन यात्रा कर रहा है। कोरोना काल ने बता दिया ना कि जो किसान हमारा अन्न उगाता है वो लगातार खेत में श्रम कर रहा है। किसान ने कभी अपने खेत से पलायन नहीं किया, यदि वो पलायन कर जाता खेत पर कभी, जो कोरोना काल में आपका क्या हुआ था, वो जो बाजार बंद हुआ था, भारत बंद हुआ था, तो किसान का काम कभी रुका नहीं। सरहद से जवान कभी वापस घर पे आया नहीं, वापस आया क्या तो जवान सीमा पे डटा रहा, किसान खेतों पे डटा रहा। सिद्ध होता है आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जो नारा था, जय जवान जय किसान, और इन्हीं के बल पर राजनीति चल रही है, कभी गरीबी मिटाने के नाम पर तो कभी किसी नाम पर तो कभी किसी नाम पर। ये देश लगातार गरीबी से जूझ रहा है, अभाव में जूझ रहा है, आपस में इनका खूब शोषण हो रहा है। और जो राजसत्ता है उसके साथ चूंकि अर्थसत्ता का एक आपस में कंपैक्ट यूनिट बन गया है, जो धर्म सत्ता है, धर्म सत्ता के मठाधीश भी उनकी मलाई खा रहे हैं, इसलिए राजसत्ता, धर्म सत्ता, अर्थसत्ता, जो आर्थिक आतंकवाद है, वो विश्व के 12-13 घरानों के द्वारा पूरी दुनिया के सिस्टम पर काबिज हो गए हैं। वो चूंकि ISPCS सिस्टम चलाते हैं, इनकी ट्रेनिंग विदेशों में होती है, जो अंग्रेज हमें सिस्टम सौंप के गए हैं वो सिस्टम ब्रिटिश का सिस्टम है और डिवाइड एंड रूल पर आधारित है, शोषण और हिंसा पर आधारित है। तो ये जो अंग्रेजों के मानस पुत्र हैं जो 76 साल से इसी देश के लोगों का शोषण कर रहे हैं, प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, यहाँ के हर एक नेता को, आप बच्चे समझदार हो, सोशल मीडिया के ईमानदार बच्चे हो, बताओ अभी 354 करोड़ रुपए निकला ना एक सांसद के घर में। ऐसे ही जितने सांसद विधायक हैं जो करोड़ों रुपए दे करके पार्टियों से टिकट खरीदते हैं और फिर टिकट खरीद के जो राजनीति करते हैं, वो क्या रुपए अपने घर से लगा के संत बैठेंगे? वो करोड़ों रुपए का टिकट खरीद के फिर अरबों रुपए कमाते हैं, सच है ना? तो जब वो अरबों रुपए कमाएंगे तो समाज की सेवा ना करके वो समाज का शोषण करते हैं, प्रकृति का शोषण करते हैं, यहाँ के जो सार्वजनिक संसाधन हैं उनका वो शोषण करते हैं और इसके बल पर वो अपने घर में डंप करते हैं करेंसी को। इसलिए जो जवान और किसान है, जो स्ट्रगल कर रहा है, बहुत कम से कम में वो जी रहा है, लगातार संघर्ष कर रहा है, आप किसान और जवान का हाल देख लो देश के अंदर जाके क्या है। तो जो किसान जवान शोषित पीड़ित वंचित अशिक्षित हमारे देश का बहिष्कृत तिरस्कृत तबका है, उनका पक्ष लेने के लिए संसद में पूरे के पूरे प्रचंड बहुमत के साथ, पूरे के पूरे बहुमत के साथ, पूरे देश का आशीर्वाद लेने की कामना से ये मिशन 2024 में भारतीय जवान किसान पार्टी ने अपना यहाँ पर ये पुरुषार्थ आरंभ किया है। इसलिए हमारे जैसे जो परिव्राजक हैं, जो किसी का हमारी दृष्टि में कोई सगा सौतेला नहीं होता है, कांग्रेस भाजपा एक नागनाथ है, दूसरे सांपनाथ हैं, सब शोषण पर टिका इनकी व्यवस्था चले, शोषण पर टिके हुए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस देश में जो सच्चरित्र लोग हमारे संपर्क में आए हैं, जिनके आचरण में शुचिता है, वो कैसे होगी? वो होगी जिसके मन वचन कर्म में एकता है। कहते हैं कि कथनी करनी भिन्न जहां है, चरित्र नहीं पाखंड वहां है। एक शब्द होता है चरित्र, एक होता है धर्म। चरित्र को ही धर्म कहा जाता है बेटा। आज धर्म के नाम पर जो लोग बट गए ना, वो धर्म का लोगों को डेफिनेशन पता नहीं है। धर्म माने होता है करेक्टर,
धर्म माने होता है मानवीय चरित्र, तो जिसके पास कथनी करने में एकता है वो तो चरित्रवान मानव है। तो मतलब जो आपकी ये पार्टी है धर्म के नाम पे वोट नहीं लेगी, धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी? ना, कतई नहीं। धर्म के नाम पर क्यों लेगी? धर्म माने हम तो चरित्र के नाम पर वोट लेंगे। यदि वास्तव में तुम पीड़ित हो तो सौ सौ जूते के तमाशा घुस के क्यों देख रहे हो? अरे शराब 5 दिन तुम्हें कोई पार्टी पिला जाती है, 2 किलो 5 किलो मुर्गा मछली दे जाती है, 1000 2000 5000 नोट तुम्हें दे जाती है, और तुम अपना बहुमूल्य मत दे करके अपराधियों को संसद में भेजते हो। ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारा शोषण होता रहेगा। यदि तुम अपने आप के साथ न्याय चाहते हो तो न्यायबोधी योद्धाओं के साथ जो तुम्हारे साथ औसत जीवन जीते हैं, तुम्हारे जैसे जमीन में सोते हैं, तुम्हारे जैसे सामान्य कपड़े पहनते हैं, तुम्हारे जैसी रोकी रोटी खाते हैं, उनको अपना प्रतिनिधि चुन करके अपने न्याय के लिए संघर्ष करो, लड़ो, लड़ोगे तो जीतोगे। अपराधियों के चक्रव्यूह में मत आना, तुम अर्थ सत्ता के प्रलोभन में मत आना कि कोई तुम्हें मुर्गा मछली दारू कपड़े पैसा दे जाए और तुम उसका अपना बहुमूल्य मत दे दो। हम समाज में जो चंडाल चौकड़ी है, जो दलाल हैं, वो चूंकि हर राजनीतिक दल के फिट हैं, हर गांव में हर बूथ पर दलाल फिट हैं, तो हम पूरे देश को, यदि आपका ये विस्तार से जा रहा है दर्शकों के बीच में हमारा वक्तव्य, तो हम समस्तों से कहना चाहते हैं कि अरे दलालो, अरे गद्दारो, जीवन 4 दिन का है, इसी जीवन को, अपनी इसी ऊर्जा को यदि तुम सही के पक्ष में लगाओगे तो देश की हालात सुधर जाएंगे, और यदि तुम यही कमीनागिरी करते रहोगे तो तुम तो स्वयं कभी शांति तो तुम्हें मिलेगी नहीं, तुम्हारे चित्त में अशांति की आग लगी रहेगी। क्योंकि कोई दंड, प्रकृति डंडा लेके थोड़ी देती है, जो व्यक्ति गलत करता है, अनैतिक व्यवहार करता है, उसको अशांति के रूप में दंड मिलता है। इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनके आने के बाद हमने किसानों के लिए बहुत काम करा है, लेकिन अब किसान जो है वो खुद सरकार बना रहा है, भारतीय जनता क्या है, भारतीय जवान किसान पार्टी नाम रख दिया है उसका, तो अब ऐसा नया पार्टी में क्या है जो किसान जो लोग हैं वो इसी पार्टी को वोट देंगे? मतलब दलितों के ऊपर इसमें काम करा गया है कि नहीं करा गया है? देखो, जिनको हम दलित कहते हैं उसको हम कहते हैं शोषित, वंचित, पीड़ित, अशिक्षित, बहिष्कृत, तिरस्कृत। जो कोई भी है जिसमें कोई पर्टिकुलर जाति, हमारे यहाँ कोई इश्यू नहीं है, हमारे यहाँ हर एक जो जातियों के टैग लेके समाज खड़ा है ना, हर जाति में तुम्हें गरीब मिल जाएंगे बेटा, हर जाति में शोषित, पीड़ित, वंचित, बीमार, अशिक्षित लोग मिल जाएंगे। इसलिए इस पूरे समाज को, हमारा जो दृष्टिकोण है, हम अपने एटीट्यूड से समाज को जो वंचित लोग हैं, जो पात्र हैं, उन पात्र व्यक्ति की मदद करी जाएगी, पात्र व्यक्तियों को ऊपर उठाया जाएगा, पात्र व्यक्तियों का जो एक सार्वजनिक जीवन में सम्मान होना चाहिए, उनके प्राइमरी नीड पूरी की जाएगी, उनको औसत जीवन के साथ समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जाएगा, ये हमारा प्रयास होगा जी। तो मतलब आप सभी तबकों पे काम करेंगे? लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें जो है, उसमें जवान, किसान, युवा, महिला, गरीब, इन सब पर उन्होंने कहा ये सबसे बड़ी जाति है उनके लिए, इसी पे वो लोग काम करते हैं। आप में ऐसा नया क्या है कि मतलब लोग आपको ही वोट दें? एक होता है कहना और एक होता है करना। यदि उनने इन पे काम किया होता तो देश में जो 84-85 करोड़ लोग गरीबी रेखा में 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं, और वो 5 किलो अनाज भी आप देखो गली गली में इनने शराब भी बेच रहे हैं। एक तरफ देखो कि इसी देश में करोड़ों उपभोक्ता जब 5 किलो अनाज के लिए लाचार हैं, तो फिर इनकी 60 रुपए की एक पाव शराब कौन खरीद रहा है? विचार करिए कि इनका जो दोहरा चरित्र है, ये जो समाज को बरगला के बहका करके पतन के मार्ग पर ले जा रहे हैं। आप यदि समस्या का समीक्षा करोगे तो देखो अपना जो ये जो दलित समाज है, वंचित समाज है, अशिक्षित समाज है, इसके बीच में गली गली में शराब बिक रही कि नहीं बिक रही? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, हम समाज से पूछना चाहते हैं, क्या बताओ सरकार जो शराब का धंधा कर रही है, सरकार जो गली गली में नेचर का शोषण कर रही है, निरीह प्राणियों का वध कर रही है, एक तरफ तो ये जीव जंतु कल्याण बोर्ड का ड्रामा करते, दूसरी तरफ गली गली में निरीह प्राणी, आप भी प्यार करते होंगे पशु पक्षियों से, आपके अंदर भी करुणा होगी, चूंकि आप बेटी हो भारत की, तो आपके मन में जो करुणा होगी वो निरीह प्राणियों के प्रति करुणा होगी, और इनके जो बड़े बड़े स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, क्या निरीह प्राणियों को मारने से मनुष्य का उत्कर्ष हो सकता कभी? इसलिए मैं मानवतावादी और करुणा और उस भाव से, मानवीय दृष्टि से पूछना चाहता हूँ राज से, समाज से, आप सबसे, मीडिया लोगों से और आप दर्शकों से, कि मेरे कमेंट में नंबर डाल के, अपना नंबर डाल के जरूर मुझको बताना कि स्वामी जी वास्तव में करेक्टर से मनुष्य की महिमा है। यदि आपकी कथनी करने में एकता है, आप जूझ रहे हो, आप संघर्ष कर रहे हो, आप पीड़ित हो, तो हम आपके साथ सदैव हैं, और आपके साथ ईश्वर भी है। ईश्वर का मतलब होता है सत्य, विल पावर होता है सत्य के साथ आचरण करने वालों के हृदय में। यदि आप सत्य आचरण के साथ हमारे साथ जुड़ोगे तो हम लोग सब मिलकर के लड़ेंगे, और इन शोषणकारियों से, इन हिंसा और
शोषण की राजनीति करने वालों के खिलाफ एकजुट हों, ऐसा मेरा आह्वान है। आप किसी दल में किसी राजनीति में मत बटो, क्योंकि ये सब सांपनाथ और नागनाथ हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो या जो भी नेता सरकारें जो भी बनी हैं आज तक, जिनने टिकट बेचे हैं, अपराधियों को टिकट दिए हैं, ऐसे लोगों पर भरोसा मत रखो, देश के सच्चे जवान, क्योंकि देखो दूध का जलाब छाछ भी फूंक के पीता है। तो आप चरित्र से ही, जब आप हमारे आदमी जानो कसे और सोना जानो बसे, एक बार कसौटी पे अवसर दो इस देश के जवानों को, जो सीमाओं पे अपने प्राणों की आहुति देके आपकी हिफाजत करते हैं। मेरा बार बार आपसे निवेदन है कि इस देश के सच्चे सपूतों को, ईमानदार लोगों को, भले ही वो पैसे वाला ना हो लेकिन चरित्रवान हो, नैतिक बल उसका मजबूत हो, उसे आप संसद में भेजें अपना आशीर्वाद देके। प्रचंड बहुमत के साथ जब अच्छे लोग प्रजातंत्र में इसकी संविधान की रक्षा करेंगे, क्योंकि ये गुंडे बवाली रेपिस्ट मर्डर जो संसद में भरे पड़े हैं, इन्हें संविधान की रक्षा नहीं करना है, संविधान की रक्षा करेगा देश का आम नागरिक जो वास्तव में चरित्रवान है, जो स्ट्रगल कर रहा है। मैं बार बार अपेक्षा करता हूं कि आप मेरे कमेंट में मेरे उसमें अपना नंबर जरूर लिखें, ताकि मैं आपसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने इनको सुना, इनकी जो नई पार्टी है भारतीय जवान किसान पार्टी, ये नई पार्टी अपनी जो है जो शुरू कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा एक नई पार्टी और जवान किसान तबके पे काम करेगी, खुद जवान और किसान इसमें खड़े हो रहे हैं, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर बताइए।